सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा की विधानसभा में सर्वसम्मति नाल दंडावल सोध बिल 2018 पास हो गया। मध्य प्रदेश राजस्थान तो बाद हरियाणा भारत का तीजा जिहा सूबा बन गया जिथे बच्चियां नाल जबर जनाह ते फांसी के दोषियों 14 साल की कैद या फांसी होगी। हरियाणा विधानसभा के आखिरी दिन इस कानून पास किया गया। हरियाणा सरकार ने 12 साल या उस तो घट उम्र के लड़कियों के जबर जनाह के दोषियों को मौत की सजा देने की व्यवस्था से संबंधित कानून लियाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो कि सर्वसम्मति के नाल हुए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भाजपा नाल हाथ मिलाने लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तिखा हमला करते कहा कि बिहार च विरोधी पार्टियां का महागठजोड़ जनता दल के प्रधान तो बिना सूबे च समाज के आर्थिक ते समाजिक तौर पर कमजोर वर्गों लिए समाजिक न्याय लिए लड़ेगा। उन्होंने कहा कि सानू नीतीश जी की लोड़ नहीं है, सानू उन्हां दी बिल्कुल लोड़ नहीं है। राहुल गांधी ने गल पूर्णिया के रंगभूमि मैदान च एक रैली को संबोधन करते कहा। उन्होंने कहा कि असीं किसानों के हितों लिए लड़ते हैं। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कथित जमीन घपले नाल जुड़े काले धन नूं चिट्टा करन दे मामले च रांची च पुछ पड़ताल करेगा। ईडी ने दिल्ली च सोरेन के घर की तलाशी लैण तो बाद 36 लाख रुपए की एक BMW SUV कुछ इतराजयोग दस्तावेज जब्त किए ने। ईडी की एक टीम वालों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रधान की दिल्ली रिहायश का दौरा करन अते एजेंसी के अधिकारियों वालों कहने तो एक दिन बाद कि उन्हां दा पता नहीं लग सका। संसद का बजट सैशन अज तो शुरू हो गया। इस तो पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोहां सदनों को संबोधन करते हुए मोदी सरकार के 10 सालों के कामों की तारीफ की। संसद इस नवी इमारत से उन्होंने कहा कि यह मेरा पहला संबोधन है। शानदार इमारत आजादी के अमर दौर के शुरू में बनाई गई थी। इतने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। भारत की सभ्यता तेरी सरकार ने वन रैंक वन पेनशन भी लागू की, जिसकी 4 दहाकों तो उड़ीक से ओपी के लागू होने तो बाद सबका सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सैशन तो पहला संबोधन किया। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने राम राम तो की। प्रधानमंत्री ने विरोधी पार्टियां से हमला करते कहा कि आदत तो मजबूर रौला रप्पा पाना जिन्हों का सुभाव बन गया थे, जो आदतन लोकतंत्री कदर कीमतों का चीरहरण करते हैं। अजिहे सारे संत मैंबरों आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। संसद के बजट सैशन के पहले दिन मीडिया को संबोधन करते प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हुड़दंग नकारात्मकता से शरारती वतीरा करने वाले लोकतंत्र प्रेमी याद नहीं करेंगे। उन्होंने ये बजट सैशन पछतावे का मौका भी। पाकिस्तान के सबका प्रधानमंत्री इमरान खान बड़ा झटका लगे। इमरान खान से उन्होंने पत्नी बुशरा बीबी तोशाखाना मामले में 14 साल की सख्त सजा सुनाई गई। रिपोर्ट मुताबिक इस्लामाबाद की जवाब दी अदालत ने जोड़े से दोवों 10 साल कोई भी जनतक अहदा संभालन तो रोक दिता। 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लाया। इमरान खान लगातार 2 दिन यह दूजा झटका लगे। एक दिन पहला पाकिस्तान की विशेष अदालत ने इमरान खान से पाकिस्तान के सबका विदेश मंत्री शाह महमूद को 0 मामले में 10 साल की सजा सुनाई। इस बार सर्दियों में बिजली की रिकॉर्ड मांग होने कारण पावरकॉम बिजली का बैकअप नहीं लै सके। साल 2022-23 पावरकॉम ने 5,729 मिलियन यूनिट बिजली की बैंकिंग की, 6,041 मिलियन यूनिट वापस ले सन। इस बार पिछले 25 दिनों तो धुप न होने कारण सोलर प्लांट तो भी बिजली पैदा नहीं हो रही, जिस कारण महंगी बिजली खरीदनी पै रही है। पावरकॉम ने जनवरी में 714 करोड़ रुपये खर्च करके 6.95 रुपए की औसत दर 1,069 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। इस तो इलावा कई दिनों तो सूरज की रोशनी न मिलने सोलर तो पैदा होने वाली बिजली उत्पाद पूरी तरह ठप हो गए। दूजे पासे रणजीत सागर डैम की सफाई ना होने कारण इतने बिजली उत्पादन भी बंद हो। पंजाब विच अमृतसर गुरदासपुर समेत कई जिलों में रात तो ही मीह पै रहा। इतों के 11 जिलों में मीह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तेज हवावां ते गरज नाल मीह पैण की संभावना। उधर हरियाणा के सोनीपत पानीपत करनाल समेत होर जिलों में सवेर वेले विजिबिलिटी ना दे बराबर है। 6 जिलों में मीह लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 2 दिनों तक मीह पैण की संभावना। अज बदल छाए रहेंगे। शीतलहर 40 किलोमीटर की रफ्तार न चल। मोहाली पुलिस वालों पंजाब पुलिस के चर्चित अधिकारी IG मालविंदर सिंह सिद्धू को सरकारी अधिकारियों तो रिश्वत लेने लिए ब्लैकमेल करने के मामले में नामजद करके उस समय 3 विरुद्ध मामला दर्ज किया। थाना फेज 8 की पुलिस वालों दर्ज किए इस नवे मामले में मालविंदर सिंह सिद्धू को प्रोडक्शन वारंट से लिया के गिरफ्तार करने उपरंत अदालत पेश किया गया, जिससे उसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। संसद का बजट सैशन अज तो शुरू हो गया। लोकसभा चोणां 2024 तो पहला मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का आखिरी बजट सैशन होगा। संसद का बजट सैशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोहां सदनों की सांझी बैठक में संबोधन करने के शुरू होया। मौजूदा लोकसभा का आखिरी सैशन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अप्रैल मई च होने वाली लोकसभा चोणों तो पहला 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। नवी सरकार चार्ज संभालने तो बाद पूरा बजट पेश करेगी।
पटियाला विच नौजवान समीर कटारिया का कतल करने वाले मुलजम का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। दरअसल उक्त मुलजम को जब पुलिस ने फड़न की कोशिश की तो उसने पुलिस से गोलियां चला दीं। इस दौरान जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो इस मुलजम अभिषेक जख्मी हो गए, जिसनों मुढ़ले इलाज रजिंद्रा हस्पताल दाखिल कराया गया। इस ही पुलिस ने कतल च शामिल तीन होर कातलों भी गिरफ्तार किया, जिन्हों दिनेश कुमार उर्फ दीनू, अभिषेक कुमार, साहिल कुमार से योगेश मोरिया शामिल। जम्मू कश्मीर च पहाड़ा च हल्की बर्फबारी ते मैदानी इलाकों च मीह पिया। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे दौरान जम्मू कश्मीर के उच्चे इलाकों च मध्य तो दरमियानी भारी बर्फबारी ते हल्की तो दरमियानी वर्खा की भविखबाणी की है। श्रीनगर च अज घट्टो घट तापमान 2.2 डिग्री, गुलमर्ग च 3.2 ते पहलगाम च 0.1 डिग्री दर्ज किया गया। लद्दाख खेतर के लिए शहर में घट्टो घट तापमान -6.2 ते कारगिल च 3.7 हेठा दर्ज किया गया। पंजाब के संगरूर जिले ने पूरे देश भर में अपना नाम रोशन किया। दरअसल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में संगरूर जिले ने पूरे देश भर में बेस्ट जिले वजो अपना पहला स्थान हासिल किया। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम तहत देश भर में संगरूर के बेस्ट जिले वजो अवार्ड हासिल करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बधाई दीं ने। ट्विटर जरिए उन्होंने कहा कि जिस दिन तो चलिया मेरी मंजिल से नजर है, अखा ने कदे मील का पत्थर नहीं वेख्या, संगरूर देश नंबर एक जिला बधाई। पंजाब आप विधायक ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किए। बीते साल एनसीबी वालों बहुत चर्चित ड्रग्स स्मगलर अक्षय छाबड़ा 20 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार करने के मामले में उस समय नवा मोड़ आया जो इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग तहत ईडी ने मोहाली तो आप विधायक कुलवंत सिंह नूं समन भेज के दफ्तर च पेश होने लिए कहा। लगभग दोपहर 12 बजे दफ्तर पुछगिछ लिए बुलाए गए विधायक कुलवंत सिंह तो देर शाम 8 बजे तक ईडी अधिकारियों वालों पूछगिछ जारी रही। ईडी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव तो रेलवे च कथित तौर पर नौकरी लिए जमीन घोटाले के मामले 8 घंटे तो ज्यादा समय तक पूछगिछ की। ईडी के सूत्रों ने दसिया कि बिहार के साबका उप मुख्यमंत्री तेजस्वी सवेरे 11:30 बजे पूछगिछ लिए ईडी दफ्तर पहुंचे तो रात 8 बजे तो बाद दफ्तर तो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकू कानून तहत यादव के बयान दर्ज किए हैं। इस मामले उन्होंने पिता से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद तो सोमवार को जांच एजेंसी के अधिकारी 9 घंटे तो ज्यादा समय तक पूछगिछ की। फिलहाल स्वीर न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।